नहीं है, ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट ये चीजें नहीं है, ठीक है। मैम आप वो बात आई वॉन्ट कि मैं आप लोगों को, जी जी बोलो बच्चे। मैम मैं कह रही थी कि आप बुक से भी मैम करवाती हैं, मैम आपकी और हमारी बुक सेम है, आप से मैं करवा बुक्स देना। की जो एक्सरसाइज, जी जी बुक मैंने वो दी भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बुक के अंदर काफ़ी ऐसी, बुक के अंदर लिमिटेड है, ठीक है, काफ़ी ऐसे कंसेप्ट हैं जो कि लिमिटेड है, जो मीन्स टू से कि वो उसके अंदर दिए वही नहीं है, ठीक है। द बुक विच आई हैव असाइंड यू और गिव यू दैट इज़ बेस्ट फॉर द एक्सरसाइज, ठीक है, वो एक्सरसाइज के लिए बेस्ट है। लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों को जो एक्सरसाइजेस करवाती हूँ मैं खुद से सेंड करती हूँ, और वो जो एक्सरसाइजेज हैं वो आप लोगों के विंटर वेकेशन का टास्क होंगी, ठीक है। उसके अंदर से मैं आइडेंटिफाई करवा दूंगी कि कौन कौन से एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपने विंटर वेकेशन में करनी है, ठीक है, वो आप लोग घर बैठ के करोगे। फर्दर ओके आई होप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव जॉइन द क्लास, 44 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट अप टिल नाउ। ओके जी आर टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ द होल क्लास और मैं आप लोगों का स्क्रीन शॉट लूँगी एंड पे। ओके फर्दर ओके लास्ट टाइम ड्यू टू सिग्नल इशू इट वॉज डिफिकल्ट फॉर मी टू टोल यू रिगार्डिंग फर्दर कंसेप्ट, बट आई टोल यू विद इन दिस व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैंने आप लोगों को डॉक्यूमेंट सेंड किया था एंड आई हैव ऑल्सो गिवन यू द एक्सरसाइज एज वेल एज वॉइस नोट्स भी मैंने आप लोगों को सेंड किए थे रिगार्डिंग द कंसेप्ट। नॉन फाइनाइट, वी वर ऑन द फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है। इससे पहले हम जितनी भी वर्ब्स की टाइप्स कर चुके हैं, देर इज फिजिकल वर्ब, मेन वर्ब्स होते हैं, और उसके बाद मेंटल वर्ब्स हो गए आप लोगों के, ट्रांजिटिव हो गया, इंट्रांजिटिव हो गया, एंड लेट मी आइडेंटिफाई वन स्टूडेंट, फ्रेजल वर्ब हो। मोहम्मद अवैस इज हियर, मोहम्मद अवैस इज हियर। यस मैम। और एक और बात बच्चे जहन में रखो, जब तक मैं आपको अलाउ ना करूँ तब तक खुद से अपने आप को अनम्यूट करके मत बोला करो, ठीक है। अवैस, यस मैम। रिवाइज ऑल द टाइप्स ऑफ वर्ब्स, जस्ट नेम्स। मैम फिजिकल वर्ब, मेंटल वर्ब, थिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब एंड स्टेटिव वर्ब। एंड उससे आगे नहीं पता क्योंकि मैंने क्लासेस नहीं ली थी दरमियान में से। नुमान इकबाल, फ्रेजल वर्ब हो गई, स्टेट ऑफ बीइंग जिसको लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, और हेल्पिंग वर्ब इसको एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, फ्रेजल वर्ब, फिजिकल वर्ब, एक्शन वर्ब, हेल्पिंग, इसके अलावा ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, बस यही थी मैम, और सिर्फ फिनिटिव वर्ब और नॉन फिनिटिव इनफिनाइट वर्ब रहती हैं बस। ओके वी आर ऑन फाइनाइट एज वेल एज नॉन फाइनाइट वर्ब एंड आई हैव टोल्ड यू अबाउट फाइनाइट वर्ब्स। व्हाट आर द फाइनाइट वर्ब्स, लेट मी फाइंड माई ओन टारगेट। राबिया नजर, यस मैम। व्हाट आर द फाइनाइट वर्ब्स, फाइनाइट वर्ब्स व्हिच आर लिमिटेड। लिमिटेड मींस टू से व्हाट, मींस टू से देयर वर्ब चेंज बाय द चेंज ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब फॉर्म चेंज। वेरी गुड। फाइनाइट वर्ब्स आर दोज वर्ब्स व्हिच आर लिमिटेड, व्हिच आर डिपेंडेंट। लिमिटेड एंड डिपेंडेंट मींस टू से दैट दे आर dependent upon the tense, they are dependent upon the subject as well as they are dependent upon the gender, ठीक है। For example, I, we, you, they के साथ आप लोग s and es attach नहीं करते हैं, he, she, it and third person जो name होगा उसके साथ आप attach ये चीज़ें करते हैं, ठीक है, s and es। So it means to say I write a letter, ठीक है, she writes a letter, in both the cases I and she, these both are the subjects as well as the pronouns. So इसकी बेस पे आपका जो मेन वर्ब है दैट इज राइट, और वो राइट जो है वो राइट्स कन्वर्ट हो रहा है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट हर, शी राइट्स अ लेटर,
एंड आई राइट अ लेटर, इन बोथ केसेस आपका जो मेन वर्ब ये चेंज हो रहा है, ठीक है? तो आपका ये जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं दे आर डिपेंडेंट, ठीक है, ये लिमिटेड होते हैं, बट इन द केस ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स दे आर नॉट डिपेंडेंट एंड दे आर नॉट लिमिटेड. एंड आई टोल्ड दैट फाइनाइट वर्ब्स आर बेसिकली इनटू थ्री कैटेगरीज, ठीक है, एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट जेरंड्स, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पार्टिसिपल्स एज वेल एज नो वी हैव फाइनाइट वर्ब्स वर लेफ्ट, नो इन्फिनिटिव्स वर लेफ्ट, ठीक है, ओके. So we have discussed about the gerunds. Muhammad Shoaib. Yes, ma'am. Muhammad Shoaib. Yes, ma'am. What are the gerunds? Ma'am. What are the gerunds? Ma'am, those non-infinitive verbs which act as a noun, pronoun, and adjective. In the sentence. Pronoun? What do you mean by pronoun? Shoaib, what do you mean by pronoun? Actually, ma'am, I now forget. Beta, pronoun नहीं होते, ठीक है? As a noun role play करते हैं. Further, बच्चे, if you have any question, any query, you will ask me at the end of the class. You are not going to interrupt me during the lecture. Keep within your mind, इसकी वजह से हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता है और हमारी काफ़ी ऐसी कंसेप्ट होते हैं जो कि रह जाते हैं कवर करने के लिए. इफ यू हैव क्वेश्चन दैट दीज आर सच वर्ड्स, दीज आर सच वर्ब्स मीन्स टू से दैट एक्ट एज अ नाउन विद इन द सब्जेक्ट, व्हेन इट सो इट मीन्स टू से that noun as a subject भी role play करते हैं, as an object भी होता है, as a subject complement भी है, as a object complement भी है, as a direct object भी होता है, ठीक है? And I gave for different examples like I like learning. So here what is your main verb? I like learning. Like main verb. Learning. I like learning. I am asking which one is your main verb? Learning. Like. Ma'am, like. Like. Learning is not a main verb. Listen to me. I like learning. She likes learning. In both cases, आपका main verb change हो रहा है. तो ये क्या बना आपका? Finite हुआ या non-finite हुआ? Finite हुआ. Finite verb. Finite. Exactly. Now comes from this learning. Do you think that this learning is playing the role of verb here? No, ma'am. Why no? Give me the reason. मैम जो object की तो syntax में use हुआ ये gerund होगा. It acts as an object here. It's not a noun. It's not verb here. I like learning. ठीक है? And here learning is not something which is happening. ठीक है? She is learning. Here she is learning. This is the action, ठीक है? वो जो एक subject है, वो role action play कर रही है, ठीक है? She is learning, but I like learning. Here your like is the main action, and learning here is an object, ठीक है? आपके gerund जो होता है, वो main verb आपका जो it acts as a noun और उसके अंदर आप ing add करने के बाद उसको as a noun role play करता है, ठीक है? Noun के अंदर object भी आ जाता है, उसके अंदर subject भी आ जाता है, ठीक है? Okay, so I like learning here. Like is playing the role of as a noun here. It's not a verb. If we take any other example, like swimming is a good activity. Do you think that swimming is the particular action here? No, ma'am.
swimming is not a particular action here. Swimming is a good activity. It's a subject here, and it's telling, it's giving you information. Swimming is a good activity. It's it acts as a noun here. It's not a verb here. ठीक है, सो यू नो वेरी वेल अबाउट दीज जेरंड्स एज वेल एज मूविंग फॉरवर्ड. आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम जेरंड्स. ठीक है, पार्टिसिपल्स जो आपके सेंटेंसेस में होते हैं दे एक्ट एज एन एडजेक्टिव. ठीक है, प्रीवियसली जेरंड्स वर वर्किंग एज अ नाउन एंड पार्टिसिपल हियर एक्ट एज एन एडजेक्टिव. It also acts as an adverb as well as also a main verb. ठीक है, आपके जो participles होते हैं these act as an adjective, as an adverb, as also further it also act as a main verb. ठीक है, now we have to, question arises how this participle बच्चे ज़हन में रखो, simple सा meaning होता है adjective. An adjective means to say, adjective जो होता है वो noun की quality को describe करता है. ठीक है, एडजेक्टिव नाउन क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है. दिस इज अ ब्रोकन चेयर. ठीक है, हियर व्हिच वन इज योर नाउन, इज योर नाउन हियर चेयर एंड व्हिच वर्ड एग्जैक्टली, व्हिच वर्ड इज क्वालिफाइंग द नाउन चेयर. ब्रोकन. Exactly. So this broken is giving you the information regarding the noun. So ऐसा word जो कि आपको information provide करता है, that word is an adjective. ठीक है, and adverb is very simple. You know very well that adverbs gives you the information regarding regarding the verb, regarding the action. Adjective gives you the information regarding the verb, but adverb regarding noun. Adjectives gives you the information regarding noun, but adverbs gives you the information regarding the verb. And it's very simple to identify a verb as well as a noun within the sentence. For example, and you can, means to say, आप easily identify करते हैं किसी भी sentence में word को, whether it's a noun, whether it's a verb. ठीक है, parts of speech का meaning ये होता है कि वो किसी वर्ड का फंक्शन को आइडेंटिफाई करता है. पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली जो वर्ड्स के उनको उनका फंक्शन डिस्क्राइब करते हैं, वेदर दे आर फंक्शनिंग एज अ नाउन, एज अ वर्ब, एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडवर्ब, एज अ प्रपोजिशन, एज अ कंजंक्शन. ठीक है, सो पार्टिसिपल जो होते हैं, जेरंड्स जो है वो एज अ नाउन रोल प्ले करते हैं. ठीक है, पार्टिसिपल as a main verb आपका role play करते हैं. ठीक है, moving forward then there are three basic types of participles. There are three types of participles. ठीक है, the first one is present participle. ठीक है, the first one is present participle. एक और बात बच्चे ज़हन में रखो, participle जो एडजेक्टिव एज एन एडवर्ब और या फिर एज अ मेन वर्ब रोल प्ले कर रहा होगा, एज अ वर्ब रोल प्ले कर रहा होगा विद इन द सेंटेंस. अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल पे जब हम आते हैं, ठीक है, तो पार्ट उसके अलावा मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि पार्टिसिपल में जो आपका वर्ड होगा वो आई एन ई एड करके हो. अब ये जो पार्टिसिपल में ई डी और आई एन जी का प्रॉब्लम आ जाता है, सो जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करते हैं, so what do you think, present participle के अंदर हम ed use करते हैं या ing add करते हैं? ing exactly, very good. so present participle में do you think that आपकी third form use होती है? perfect किस case हो रहा है? perfect का case हो रहा है. perfect का case हो रहा है, लेकिन what do you think that present में आपकी third form use होगी ing जब आप use कर रहे हैं? फर्स्ट फॉर्म होगी. वेरी गुड, सो प्रेजेंट पार्टिसिपल, आप प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा उसमें आप फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे. ठीक है, एज वेल एज आई एन जी, बिकॉज इट्स द प्रेजेंट टेंस नॉट द पास्ट टेंस. ठीक है, प्रेजेंट टेंस मीन्स टू से फॉर एग्जाम्पल एंड दे डोंट एक्ट एज अ नाउन. कीप विद इन योर माइंड दैट दे डोंट एक्ट एज अ नाउन. They act as an adjective, as an adverb, or you can say as a main verb. ठीक है, for example, students are hearing.
students are hearing. So do you think that there is any noun? Students. Yes. Now consider the word which is having the which is a verb as well as having the first form and the ing. Students are hearing. Which one is that word? Hearing. Okay. So hearing. So hearing, we have a word which have the first form as well as the. Do you think that this hearing is playing the role of noun here? No, ma'am. What's the function of this word? What is the function of this word? Present participle. It's the present participle because this hearing have the first form as well as the ing and as well as it's a verb. Okay. Further, this hearing is also giving you the information regarding the noun. Students are hearing. It's a verb as well, and it's giving you the information regarding the noun which are students. Noun. Okay. Example. Let's consider another example. Like, I saw a burning heart. A burning heart. Which one is your verb here? I saw a burning heart. Use your common sense that here the main action is saw. I saw a burning heart. And you have a noun as well. Which one is a noun? Heart. And which one is that word? Which one is that word which is having the first form plus ing as well as giving you the information regarding noun? Burning. Very good. So it's very simple. So burning is an adjective here. And it is also a present participle. When it's a formula, ठीक है? आप लोग maths में formulas पढ़ते हैं, so it's very simple to identify a present participle within a sentence which will be having the first form of verb as well as its ing की form में होगा, and it will be giving you further information whether it will be a verb, main verb, ठीक है? जैसे students are hearing में हमने देखा. Whether it will be a main verb giving you the information regarding the noun, and it can also be an adverb. Okay, so participles act as an adjective, adverb as well as a main verb. Or present participle ko jab aapne identify karna hai to aapki first form hogi aur ing attach hui hogi, and it will be giving you information regarding the noun. Okay, as a main verb bhi hoga, but in the case of gerund में you can easily identify whether this gerund जो है वो role ही as a main noun कर रहा होगा, ठीक है? By adding ing, वो आपको कोई further information regarding noun नहीं दे रहा होगा. It will be a noun. Traveling is my favorite hobby. This traveling is give is traveling is act as a main noun here, ठीक है? So traveling is not something which is a particular action. ठीक है, ट्रैवलिंग को पर्टिकुलर एक्शन नहीं हो रहा, बट ये यहाँ पे एक सब्जेक्ट है और एज अ नाउन रोल प्ले कर रहा है. देन वी हैव पास्ट पार्टिसिपल. डू यू थिंक दैट पास्ट पार्टिसिपल में आप कोई फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे? नो मैम. ट्रैवलिंग. So traveling, but traveling is my favorite hobby. Consider this sentence. Do you have any action here? Yes, ma'am. Traveling. No. Are you traveling? No. Are you traveling?
एक मिनट बेटा, बाकी अपनी जुबानें बंद रखो. ट्रैवलिंग इज हैपनिंग एट दैट टाइम. ट्रैवलिंग इज माय फेवरेट हॉबी. यस मैम. आई एम ट्रैवलिंग. कंसीडर दिस सेंटेंस. आई एम ट्रैवलिंग. कंसीडर द कंडीशन. यू आर ट्रैवलिंग एट दैट मोमेंट. आई एम ट्रैवलिंग. बट ट्रैवलिंग इज माय फेवरेट हॉबी. यू आर टेलिंग ट्रैवलिंग इज माय फेवरेट हॉबी. जी मैम, उसमें तो समझ आ गया ना. आई एम ट्रैवलिंग में जो ट्रैवलिंग होगा वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा मैम. अगर ये सब्जेक्ट के ठीक तौर हो पे गया. यहाँ काम करेगा ना, ट्रैवलिंग इज माय फेवरेट हॉबी, तो यहाँ पे ट्रैवलिंग, यहाँ पे भी प्रेजेंट ट्रैवलिंग इज पार्टिसिपल. माय फेवरेट हॉबी. नो, इट्स प्रेजेंट, इट्स नॉट पार्टिसिपल हियर. पार्टिसिपल बच्चे आपका आपका एडजेक्टिव होता है, ठीक है? पार्टिसिपल नाउन नहीं होता, ठीक है? ट्रैवलिंग इज माय फेवरेट हॉबी. सो टेल मी, अब ये जो ट्रैवलिंग है, क्या आपका मेन एक्शन प्ले हो रहा है? मेन एक्शन हो रहा है आपका यहाँ पे? बच्चे यस मैम. वर्ब होता है, वर्ब होता है. नहीं हो रहा बच्चे. ट्रैवलिंग इज माय फेवरेट हॉबी. ट्रैवलिंग आपका यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है, ठीक है? जेरेंड मीन्स टू से, जेरेंड आपका होता है जो कि आपका एक वर्ब होता है, जो कि मतलब अपेरेंटली वो वर्ब होता है. अपेरेंटली, ठीक है? अपेरेंटली वो वर्ब होगा, ठीक है? जैसे आपको ये अपेरेंटली वर्ब ही शो हो रहा है, बट आफ्टर एडिंग आईएनजी ये एज अ नाउन फंक्शन प्ले करेगा. और ये एज अ सब्जेक्ट भी हो सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो जाए, हो सकता है सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट भी हो सकता है, ठीक है? ट्रैवलिंग इज माई फेवरेट हॉबी. आपका यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एक्शन रोल प्ले, आप पर्टिकुलर एक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है? वर्ब होता है जो कि आपका एक एक्शन हो रहा होता है, ठीक है? पर्टिकुलर जी एक्शन मैम. आप प्ले कर रही होती है. बट कंसिडर द सेंस ऑफ दिस सेंटेंस. आप इस सेंटेंस की सेंस को समझो. ट्रैवलिंग इज माई फेवरेट हॉबी. आपका कोई एक्शन यहाँ पे रोल प्ले नहीं हो रहा. जी मैम, हमने जैरिन वाला नहीं ना पढ़ा हुआ, इसलिए आपका कोई शायद एक्शन जैरिन वाला नहीं ना पढ़ा हुआ, इसलिए मैम शायद समझ ठीक हो नहीं गया. पा रही. मैं आप अपने किसी क्लास वालों से, आप जीआर से कांटेक्ट करो और जीआर बात सुनो. जी बेटा, मैम. आपके जो न्यू कमर्स आए हैं, आपके जो न्यू कमर्स आए हैं, ठीक है? ये जो हम पिछला जितना भी डिस्कस कर चुके हैं, अच्छी बच्ची बन के इनके साथ एक मीटिंग अरेंज करो, ठीक है? और जितना भी हमने पढ़ा है इनके साथ ओके डिस्कस मैम. करो. और ये ठीक है? और ये बिल्कुल ना समझना कि मेरा कोई टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे ऊपर ड्यूटी देती है. आपका अपना फायदा होगा. जब आप किसी चीज़ किसी को समझाते हैं ना, तो आपको खुद ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आती है, ठीक है? ठीक ओके मैम, मैं बता दूंगी. है बच्चे, ठीक है? अच्छी बच्ची बन के इनको सारी डिस्कस करो. इनके साथ एक एक्स्ट्रा मीटिंग अरेंज करके, क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इनकी पढ़ने वाली अभी रहती हैं. और आपका अपनी भी रिवीजन हो जाएगी. और जी आर और सी जब इस तरह के एक्शन प्ले करते हैं, जब इस तरह की खिदमतें खल करते हैं, तो उन बच्चों को सेशनल मार्क्स मिल जाते हैं ज़्यादा, कंपैरेटिवली टू अदर स्टूडेंट्स, ठीक है? जी आर सी ओके आर, मैम. इस वक्त आप लोगों की वो वाली मेहनत नहीं है ना, इस वक्त जी आर और सी आर की वो वाली मेहनत तो नहीं है ना कि पूरी क्लास को नोट्स प्रोवाइड करने हैं, कोऑपरेटिव पर रखवा कराने हैं, चलना है सख्त सर्दी में या सख्त गर्मी में, टीचर ने जो भी कह दिया वो करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी के अंदर दौड़ें लगी होती हैं, ठीक है? वो वाले तो आपके कहा कोई नहीं है, ठीक है? तो अब एक एक्स्ट्रा मीटिंग अरेंज करो इनके साथ, अपनी भी रिवीजन करो. और जो बाकी बच्चे भी रिवीजन करना चाहते हैं वो उस मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं. आप अपनी सेल्फ स्पेस पे उसको एक मीटिंग अरेंज करो न्यू कमर्स के लिए, ओके ठीक है? आपका भी भला, दूसरों का भी भला, और बाकी बच्चे भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं. बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और वो भी क्लास को वो पूरी डिस्क्रिप्शन जो भी हमने डिस्कशन की है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. एंड जी आर, आप जो वो डिस्कशन करेंगी, आप जो वो मीटिंग अरेंज करेंगी, यू विल सेंड मी द स्क्रीन शॉट्स ऑफ दैट मीटिंग, ठीक है? आप उसकी होस्ट खुद होंगी जी आर, ठीक है? ओके. और बाकी जितने भी बच्चों ने ज्वाइन किया होगा, जो न्यू कमर्स होंगे, आप उनका स्क्रीन शॉट उन सब बच्चों का मुझे सेंड करेंगी, ठीक है? ओके तो मुझे सब अच्छे बच्चों का पता चल जाएगा कि कौन से अच्छे बच्चे क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं. जी नम बोले.
मैम ये जो आपने अभी एग्जांपल दी है ही सा ए बर्निंग हर्ट, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की है या पास्ट पार्टिसिपल की है? बेटा ये पास्ट टेंस आपको यूज कहीं नजर आ रहा है? यस मैम ही सा। ठीक हो गया, लेकिन क्या जो आपका पार्टिसिपल जो मेन वर्ड है, ठीक है, जिसके ऊपर जिसको हमने हाईलाइट करना है, सा तो आपका वर्ब हो गया ना, ठीक है, वेदर आपका वो चाहे वो आपका पास्ट में है, चाहे वो आपका प्रेजेंट में है, चाहे जिसमें भी है फ्यूचर में है, वो तो आपका एक मेन वर्ब हो गया ना, ठीक है। अब आपने जी पार्टिसिपल की तरफ फोकस करना है, पार्टिसिपल जो कि एज एन एडजेक्टिव रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। अब आपने पार्टिसिपल के ऊपर को हाईलाइट करना है, तो पार्टिसिपल में जब आपने हाईलाइट करना है तो आपने देखना है कि वो प्रेजेंट टेंस में है, आईएनजी की फॉर्म में है, एंड वेदर इट्स गिविंग यू द फर्दर डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर नाउन। क्या आपको लगता है कि ये जो सा वर्ड है, ठीक है, ये आपको एज अ नाउन यहाँ पे एडजेक्टिव रोल प्ले कर रहा है? एडजेक्टिव तो नहीं है ना? जी मैम, मैं कुछ एडजेक्टिव नहीं है। एडजेक्टिव नहीं है ना? कंफ्यूजन मुझे समझ आ रही है आपके माइंड में। आई सॉ अ बर्निंग हट, यहाँ पे आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल को आइडेंटिफाई करना है। जब आप पार्टिसिपल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने आइडेंटिफाई करना है जो आपका एडजेक्टिव रोल प्ले कर रहा होगा विद इन दिस सेंटेंस, ठीक है। सा तो अब, और आपने ये भी देखना है कि क्या ये नाउन को आइडेंटिफाई, नाउन को फर्दर डिस्क्रिप्शन दे रहा है, ठीक है। आई सॉ अ बर्निंग हार्ट, ठीक है, यहाँ पे आपका आपका सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे इन द सेंटेंस? ओके, ही आपका यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। आपका मेन वर्ब क्या है यहाँ पे? कौन सा मेन एक्शन परफॉर्म हो रहा है? सा देखना सा और आपका नाउन क्या है यहाँ पे? नाउन मैम ही है। हाँ ही आपका नाउन है यहाँ पे? यस मैम। नुमा, मैम प्रॉब्लम है, ही नाउन है? कान खेचू मैं तुम्हारे यहाँ पे? ही मैम ये ही एक कॉम मिनट, नाउन भी। ही आपका प्रोनाउन है बेटा। सॉरी मैम, प्रोनाउन सॉरी प्रोनाउन है, प्रोनाउन बर्निंग है, बर्निंग नाउन हर्ट तो नहीं है ना? जी मैम, सॉरी मैम और मुझे प्रोनाउन पता है है। तुम ये गलतियां करोगे पेपर के अंदर, पेपर के अंदर ये ब्लंडर ना मारना, वहां पे सॉरी नहीं चलेगी। फिर अपने मुझे सॉरी नहीं करो, अपने आप को इम्प्रूव करो, दोबारा से पीछे से स्टडी करो। यहाँ पे आपका जो ही है ये प्रोनाउन है, इट्स नॉट अ नाउन हियर, टेल मी व्हिच वन इज अ नाउन। मैम ब्रोकिंग हर्ट नाउन है, आई ब्रोकिंग सॉ अ बर्निंग, ही सॉ अ बर्निंग हट, बर्निंग हर्ट मैम ही नाउन है, सॉ अ बर्निंग। बर्निंग यहाँ पे आपका नाउन है। यस मैम, आई सॉ अ बर्निंग हट, आई सॉ अ बर्निंग हट। दिमाग इस्तेमाल करो थोड़ा सा अपना, हर जी लोगों मैम, को नहीं जाएगा। वो मैम आंसर बर्निंग का आंसर है, प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं होगा। एक मिनट, कौन इसको लॉजिकली आंसर करेगा? मैम, जी मैम, देयर हार्ट इज अ नाउन बिकॉज इट्स सिंपल एनीथिंग। इट्स हार्ट इज अ नाउन, तो ये व्हाट अबाउट दैट बर्निंग? बर्निंग इज द प्रेजेंट हार्ट ऑफ दिस पार्टिसिपल बर्निंग। मैम, बर्निंग इज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल बिकॉज इट हैज आईएनजी एज वेल एज इट्स फर्स्ट फॉर्म एज वेल एज इट मॉडिफाइंग एंड गिविंग द एग्जांपल अबाउट नाउन। गिविंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नाउन टू द यस हार्ट। अपनी कॉमन, ठीक है, अपनी कॉमन सेंस यूज किया करें, दिमाग इस्तेमाल किया करें, ठीक है, आइडेंटिफाई किया करो कि कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा मेन वर्ब है, और कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि एज अ जेरंड रोल प्ले कर रहा है। हमने यहाँ तक ही कन्फाइन नहीं हो जाना, मैं इसके बाद आप लोगों को एक्सरसाइज भेजती हूँ, जरा वो करो फिर समझ आएगी, ठीक है। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड देन वी हैव द पास्ट पार्टिसिपल। क्या डू यू थिंक दैट पास्ट पार्टिसिपल में आपकी फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी यूज होगी? नो 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 मैम, मैम, नो मैम, नो मैम। पास्ट में हम कौन सा टेंस यूज करते हैं?
second form or third form? Second form or third form, but when you are talking about this past participle, तो उसमें आप third form use करेंगे, ठीक है? और third form of verb आपकी use होती है. Within the sentences, आपका ये जो past participle होता है, उसमें आपकी third form of verb use होती है. Third form of verb, ठीक है? For example, the word is break. Break की third form क्या होगी? Broken. Now consider this thing. एक चीज पॉइंट ध्यान में रखो कि आपकी पास पार्टिसिपल में सिंपल थर्ड फॉर्म यूज होगी. थर्ड फॉर्म कीप विद इन योर माइंड दैट थर्ड फॉर्म ओनली थर्ड फॉर्म इन पास्ट पार्टिसिपल. ठीक है, अब जैसे हमने ब्रेक को देखा, इसकी थर्ड फॉर्म ब्रोकन. अब एक और बात भी पॉइंट ध्यान रखना है, कॉमन सेंस यूज करनी है कि पार्टिसिपल इज नॉट अ नाउन, पार्टिसिपल इज एन एडजेक्टिव. ठीक है, और एज अ वर्ब भी रोल प्ले कर होता है. ठीक है, ओके, एज एन एडजेक्टिव, दिस इज अ ब्रोकन चेयर. दिस इज अ ब्रोकन चेयर. ब्रोकन इज पास्ट पार्टिसिपल. व्हिच वन इज अ नाउन? व्हिच वन इज अ नाउन? चेयर. व्हिच वन इज अ चेयर? चेयर. और ऐसा और आपका पास्ट पार्टिसिपल कौन सा ऐसा वर्ड है जो दैट इज गिविंग यू फर्दर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नाउन? ब्रोकन. 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 ब्रोकन.